गुड मॉर्निंग एवरीवन, कक्षा छठी विषय संस्कृत पाठ पाँच वृक्षा। लास्ट वीडियो में हमने वृक्षा पाठ के सरलार्थ किए थे, आज हम अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एक वचन का प्रयोग होगा, 2 व्यक्तियों के लिए द्विवचन का प्रयोग होगा और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे दे रखे आप, यथा मीन्स होता है जैसे, वनम, वने, बनाने, ये प्रथमा विभक्ति है और प्रथमा विभक्ति के 3 वचन दिए हुए हैं, तो ये आपका रिक्त स्थान है। यहाँ पर नेक्स्ट जले, और यहाँ पर आपने फिल करना है जलम, जले, जलानी, बिंबम, बिंबे, बिबानी। यथा मीन्स जैसे, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, ये द्वितीय विभक्ति के वचन हैं, सॉरी द्वितीय विभक्ति के शब्द हैं और तीनों ही वचनों में चले हुए हैं। जैसे पवनम, पवनौ, पवनान, जनम, जनौ, जनान। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उपयुक्त विभक्ति योजित्वा लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्वम डैश पीवसी, त्वम जलम पीवसी, तुम जल पियो, यहाँ जल शब्द है और जल शब्द में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है। छात्र है डैश पश्यति, छात्र है दूरदर्शनम पश्यति, छात्र टेलीविजन देखता है, दूरदर्शन शब्द है और इसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। गै वृक्षा डैश पिबंती, पवन पवनम, वृक्षा पवनम पिबंती, वृक्ष वायु पीते हैं, तो वही द्वितीय विभक्ति का एक वचन आएगा। गै ता डैश लिखंती कथा कथाम, वही द्वितीय विभक्ति का एक वचन, ता कथाम लिखंती, वे कथाएं लिखती हैं। आवाम जंतुशालम गच्छामः, हम दोनों, आवाम हम दोनों जंतुशालम गच्छामः, जंतुशाला को जाते हैं, जंतुशाला शब्द है और उसमें हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। आवाम जंतुशालम गच्छामः, हम दोनों जंतुशाला में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिन्हित, नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपदों को चुनो। कै वृक्षा नवः शीर्षेषु वहन्ति, कर्तृपदिनी कर्ता, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता में ही प्रथमा व्यक्ति का होता है हमेशा। कर्ता जो होता है वो कौन सी व्यक्ति का होता है? प्रथमा व्यक्ति का, विभक्ति का। वृक्षा नवः शीर्षेषु वहन्ति, वृक्ष नवः शीर्षेषु सिरों पर, नवः आकाश को वहन्ति उठाए रहते हैं, वृक्ष सिरों पर आकाश को उठाए रहते हैं, तो वृक्षा क्या यहाँ पे कर्तृपद है। खै विहगा वृक्षेषु कूजन्ती, पक्षीगण वृक्षों पर कूजते हैं, कौन कूजते हैं? विहगा, तो कर्तृपद क्या हुआ? विहगा। पियो दर्पणे वृक्षा सब प्रतिबिंबम पश्यंती, जल रूपी दर्पण में वृक्ष सब प्रतिबिंबम अपनी परछाई को पश्यंती देखते हैं, तो कौन देखते हैं अपनी परछाई को? वृक्षा, तो कर्तृपद क्या हुआ? वृक्षा। कृषक घै कृषक अनानि उत्पादयति, किसान अनों को उत्पन्न करता है, कौन करता है अन को उत्पन्न? कृषक, तो कर्तृपद क्या हुआ? कृषक है। सरोवरे मत्स्य संति, सरोवर में मछलियां हैं, तो सरोवर में कौन है? मत्स्य, मछलियां यानी प्रथमा व्यक्ति है, तो यहाँ पर क्या हुआ? मत्स्य क्या हुआ? कर्तृपद। फोर्थ पार्ट है हमारा प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदें लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वृक्षा कई पातालम स्पृशंति, वृक्षा कई किसके द्वारा? पातालम पाताल लोक को स्पृशंति स्पर्श करते हैं, पाधई पैरों के द्वारा, वृक्ष पैरों के द्वारा पाताल लोक को स्पर्श करते हैं। वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष किम क्या रचयन्ति? रचते हैं, वृक्ष क्या रचते हैं? वनम वनों की रचना करते हैं, वृक्षा वनम रचयन्ति, वृक्ष वनों की रचना करते हैं। घै विहगा कुत्तर आसीना, पक्षीगण कहाँ आसीना बैठे हुए हैं? शाखा दोला, विहगा शाखा दोला आसीना, पक्षीगण शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं। घै कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं? सब प्रतिबिंबम अपनी परछाई को, आश्चर्य से वृक्ष अपनी परछाई को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हत, भिन्न प्रकृति वाले पदों को चुनो। जो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द समान है और 1 शब्द अलग है।
क्या देखो, गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा तीनों नदियों के नाम हैं, लता क्या है, इनसे अलग है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, लता। खै देखो, उदानम, कुष्मम, फलम, चित्रम। यहाँ पर उदान, कुष्म और फल बगीचे से संबंधित चीज़ें हैं, लेकिन चित्र अलग है। चित्र कोई भी ड्राइंग का चित्र हो सकता है, दीवार पे चित्र बनाया हुआ हो सकता है, तो आपका इस आंसर क्या आएगा, चित्रम। गह देखो, लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला, चटका, सॉरी, लेखनी, तुलिका और पाठशाला, ये पाठशाला यानी विद्यालय से संबंधित हैं, और चटका मीन्स होता है चिड़िया, ये इनसे अलग है, तो आंसर क्या बनेगा, चटका। गह देखो, आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। यहाँ पर आम्रम आम होता है, कदली फलम केला, मोदकम लड्डू, नारंगम संतरा। यहाँ पर आम्रम, कदली फलम और नारंगम क्या है, फलों के नाम है, और मोदकम क्या है, मीठा है, तो इसलिए ये इनसे अलग है, तो आंसर क्या बनेगा, मोदकम। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक्स।